मालदीव के मंत्रियों की पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास आई है। भारत के लोग अब मालदीव पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और बायकॉट मालदीव की बात कर रहे हैं। भारत के साथ विवाद के बाद मालदीव को काफी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। पीएम मोदी पर मालदीव के मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास पैदा हुई। एक तरफ जहां भारत ने टिप्पणियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया, तो वहीं दूसरे देशों ने भी भारत का साथ दिया। इस बीच भारत के लोग और कई बड़ी हस्तियां भी मालदीव पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। लोगों ने मालदीव घूमने की जगह लक्षद्वीप जाने की बात कही है। इसी के साथ बायकॉट मालदीव भी काफी ट्रेंड करने लगा और कई विदेशी टूर बुकिंग एजेंसियों ने मालदीव पैकेज को बंद करने का भी ऐलान किया। दरअसल भारत से विवाद गहराने के बाद से ही मालदीव के पर्यटकों की संख्या में गिरावट आती दिख रही है। भारत से ही सैकड़ों लोगों ने अपनी यात्रा निरस्त कर दी है। इसके साथ ही मेक माय ट्रिप और इज माय ट्रिप ने मालदीव के लिए अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी। मालदीव के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा पर्यटन बाजार है। भारतीय सैलानी बड़ी संख्या में मालदीव की यात्रा पर जाते हैं। हाल ही के सालों में मालदीव में पर्यटकों की संख्या में भारत का लगातार महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिससे शीर्ष पसंदीदा जगहों में से एक बन गया। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 2023 के पहले 11 महीनों में भारत द्वीप राष्ट्र के लिए पर्यटकों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत था। इसी अवधि के दौरान 183,371 सैलानी मालदीव गए थे। भारत से सैलानियों का मालदीव ना जाना इस देश के लिए बड़ा नुकसान साबित हो रहा है। हाल ही में बड़ी संख्या में भारतीयों ने मालदीव का बॉयकॉट कर लक्षद्वीप जाने की बात कही। बता दें कि मालदीव में सबसे ज्यादा सैलानी पिछले साल रूस से आए थे। पिछले साल 191,117 रूस के सैलानियों ने मालदीव की यात्रा की थी। वहीं तीसरे नंबर पर चीन रहा था, जिसके 1,75,592 लोग मालदीव गए थे। वहीं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू बीते साल चुनाव जीतने के बाद से ही भारत के बजाय चीन की तरफ बढ़ने लगे हैं। मोइजू के कई बयानों की वजह से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव भी बना था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव के कुछ नेताओं और मंत्रियों की टिप्पणियों के बाद से ये तनाव काफी बढ़ता हुआ दिखा। इसका असर ये हुआ कि भारत में एक वर्ग मालदीव के बॉयकॉट की बात कहने लगा और काफी लोगों ने अपनी मालदीव यात्रा को कैंसिल कर दिया है, जिससे मालदीव को अब काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।